गुड मॉर्निंग, हाउ टू ड्रॉ आईज मीन्स आई स्टडी। आज मैं आपको आई स्टडी बताऊंगी। और जैसा मैंने कल ही बोला था, ये सारी क्लासेस के लिए है, सारे लेवल कवर हैं, तो सारे बच्चे 6 to 10th इसको कंप्लीट देखें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हमेशा की तरह मैं एक सर्कल से शुरू करती हूँ आई बनाना भी, और इसी सर्कल के अंदर एक छोटा आई बॉल और दो लाइनें, और फिर मैंने आई लिड का ड्राइंग किया पूरा कंप्लीट। आई का ऊपर का मैंने डी शेप बनाना है, देन थोड़ा सा नीचे, और ये बन गई मेरी इजी छोटी सी आई। 8th क्लास इस तरीके की आई को ट्राई कर सकता है। अब हम दो आई साथ में बनाएं, तो होता क्या है कि बच्चे या तो आंखों को ज़्यादा पास बना देते हैं या ज़्यादा दूर। तो उसके लिए मैं करती क्यों, मैं दोनों आई के बीच में ना एक आई का गैप देती हूँ। ब्लॉक बनाओ, बीच में एक आई का गैप छोड़ो, बाकी दोनों ब्लॉक्स में 1x1 दोनों आईज बना दो। जो आई का बीच वाला पॉइंट होगा, लाइक ये जो नोज की तरफ वाला आई का साइड होता है, वो हम हल्का सा राउंडेड रखते हैं, और एंड पॉइंट को, कॉर्नर को मैं पॉइंटेड रखती हूँ। मैं क्या, हर कोई अगर आप ड्राइंग को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो इस गैप को ध्यान रखते हुए आप आई की ड्राइंग बनाइए, आईलैश वगैरह। और बहुत इजी है, बहुत इजी। जो चीज़ें मैं देख रही हूँ वही मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। और आईलैशेस के लिए आप लाइंस को हल्का सा डार्क भी कर सकते हो, या प्रॉपर आईलैश की आप ड्राइंग बनाइए। और ये छोटा पॉइंट देने के बाद आयरिस की शेडिंग, एंड शेडिंग से ही आप मेन आई में लाइट एंड डेप्थ देंगे। लाइट के लिए मैं वाइट चाकू यूज़ करूँगी, बट आप चाहो तो वाइट पेंसिल से भी आपका काम चल जाएगा। अदरवाइज़ आप वाइट पेपर पे बना रहे हैं जो बच्चे, उनको कोई ज़रूरत ही नहीं है। मेरे पेपर का कलर ग्रे है, इसलिए मैं इस पर ब्लैक चाकू एंड वाइट चाकू से काम कर रही हूँ, ठीक है। तो अब हम शेडिंग पर आ जाते हैं। ये आयरिस की शेडिंग उसी तरीके से जैसे चक्र में लाइन्स गई होती हैं, और हो सकता है छोटी ड्राइंग होने की वजह से आप नहीं देख पा रहे होगे अच्छे से, बट आप कोशिश करो बनाने की, और बिल्कुल रियलिज्म आएगा और हाइपर रियलिस्टिक वर्क निकलेगा अगर आप शेडिंग और ड्राइंग को अच्छे से ऑब्जर्व करते हो, ठीक है। और ये बिल्कुल सीधी लाइन वाली आई है मेरी, जिनकी आंखें बिल्कुल सीधी होती हैं। और दूसरी जो मैं आई बनाऊंगी वो मैं कैट आई की ड्राइंग दिखाऊंगी आप इसको कंप्लीट करने के बाद। पहले हम इसमें ज़रा हाईलाइट वगैरह पूरा कर लेते हैं, देन उसके बाद आप दूसरी आई पर आना। यहाँ पर मैं सारे के सारे ही एंगल और आईज कवर करने की कोशिश करूँगी इस वीडियो में। आपको लगे कि कोई चीज़ मिस हो गई है, प्लीज़ मेरे को मैसेज करिए, नेक्स्ट वीडियो डेफिनेटली उस डिटेल पर बनकर आपको मिल जाएगी। और थोड़ा सा मैंने अपर साइड में हाईलाइट दिया, नेक्स्ट डाउन, बहुत ईजी है कि नहीं। ये हल्का सा शेडिंग दे देते हैं और क्या बोलते हैं, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट आई स्टार्ट करते हैं तिरछी लाइनों के साथ, नीचे की तरफ आती हुई स्लांटेड लाइंस, क्योंकि इस आई को हम कैट आई भी बोलते हैं। तो ऐसी आई बनाने के लिए लाइन नीचे से ऊपर की तरफ जाती हुई दोनों साइड को, और आपस में बीच में टकराती हुई, अगर आई को स्ट्रेट करेंगे तो गैप उतना ही मिलेगा जितना इन वन आई होता है, और तिरछी होने की वजह से इनका गैप आपको थोड़ा सा पास नज़र आएगा। और ये देखो, सीधी लाइन लेनी है, इसका हमें आई बॉल बनाना है, अंदर डॉट बनाया और उसमें मैंने शेडिंग शुरू कर दी। अभी से इसमें आपको थोड़ा सा कैट का लुक आने लग गया होगा, इसीलिए इस आई को कैट आई बोला जाता है। अब इस एंगल की आई बनाने का मेरा मतलब क्या है, मतलब ये है जब आप पोर्ट्रेट स्टडी करेंगे तो आपको हर तरीके की आई की स्टडी होनी चाहिए। ये नहीं कि भाई बस मेरे को सीधी और 3/4 एंड साइड आई बनानी आती है, फ्रंट प्रोफाइल साइड, और हो गया मेरा फेस स्टडी। फिर आप सिर्फ फेस बना पाओगे, आप पोर्ट्रेट नहीं बना पाओगे। आप किसी का, आपका पोर्ट्रेट किसी के फेस से मैच नहीं करेगा। कोई देख के ये नहीं बोलेगा कि हाँ भाई आपने इस बंदे का पोर्ट्रेट बनाया। इफ़ यू वॉन्ट टू डू अ प्रॉपर पोर्ट्रेट स्टडी, then you have to learn eye study, nose study and lip study also. Obviously हमारा next video जो होगा वो lip study पर ही होगा। उसके बाद मैं आपको feature study का एक छोटा सा video बना कर दूंगी जिसमें सारे features हमने दोबारा से cover किए होंगे। After that face study, then portrait की बारी आएगी। और इस eye में मैंने proper, आप देख पा रहे होंगे कि eyelashes की भी drawing करी है, मेरी pencil सब पर काम कर रही है, और इस पर भी मैं वाइट चाकुल से हाईलाइट दूंगी। जहाँ पर भी मुझे लग रहा है कि एक शार्प लाइट पड़नी चाहिए वो लाइट को मैं यूज़ करूँगी,
और इस वाले में मैं आपको नो स्टडी का भी हल्का सा शेडिंग देकर दिखाऊंगी, जिससे आपको ना ये आई के बीच का गैप जो है वो कम लगने लगे, जो आप कहते हो ना कि डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है आईज़ का। ज़्यादातर बच्चों को मैंने देखा है, उनको सिंगल आई बोलो दे आर गुड विद दैट, उनको डबल आई बोलो तो गड़बड़ हो जाती है। इसलिए गड़बड़ हो जाती है, आप दोनों के लिए ब्लॉक बनाओ ना कि मुझे इस ब्लॉक से इस ब्लॉक तक ख़त्म करना है, तो एक आँख बड़ी एक आँख छोटी बिल्कुल नहीं बनेगी, दोनों आईज़ आपकी इक्वल ही बनेंगी। तो चलो हल्की सी शेडिंग करते हैं और ये शेडिंग के साथ मैं इस आई को निकालने की पूरी कोशिश करूंगी। इसके साथ ही हम आईब्रोज बना देंगे। आईब्रो के पे अभी मैं इतनी डिटेल दे नहीं रही हूँ, पोर्ट्रेट पे कवर हो जाएगा, फिर भी अगर आप चाहते हो आईब्रो ड्राइंग के लिए तो आई विल प्रोवाइड अ वीडियो, यू हैव टू आस्क मी फॉर दैट। ये देखो अब लग रही है ना किसी के फेस की आई, वो इसीलिए लग रही है कि मैंने शेडिंग को इस बार छोड़ा नहीं है और मैंने एक एक चीज़ को कवर किया है। अगर छोटी क्लास की बात करें ना सिक्स की, तो मैं उनको ना स्माइली से आई बनाना बताती हूँ। जैसे कि ये देखो एक स्माइल फेस, एक स्माइली बनाया लिप्स और उसको सैड लिप से कवर किया, बीच में ये सेमी सर्कल बना दिया, सैड लिप बनाया सेमी सर्कल बनाया स्माइली से जोड़ दिया, ये देखो बन गई आई। ये बिल्कुल बेसिक लेवल है जो सिक्स को मैं बताती हूँ। तो अगर कोई सिक्स सेवन का बच्चा इन वीडियोज़ को देख रहा हो, दे कैन ऑल्सो फॉलो दिस स्टाइल ऑल्सो। ये सबसे ईजी तरीका है कि एक हमने स्माइली बनाया और उसको सैड लिप से जोड़ दिया और उसमें हमने सेमी सर्कल बना दिया, बन गई मेरी आई। बहुत ईजी तरीका है ये, बट अभी मैं डिटेल बता रही हूँ और ये स्माइली एंड सैड लिप्स को जोड़ना ये मैं बहुत बार क्लासेस में बता चुकी हूँ, तो फिर मैंने सोचा कि चलो भैया आपको डिटेल स्टडी बताई जाए आईज की। ये साइड आई, ये इस तरीके के जो एंगल्स बताए थे मैंने, अगर इस तरफ को फेस देख रहा है लेफ्ट को, तो हमारे एंगल का फेस लेफ्ट को होगा, और अगर राइट साइड को फेस देख रहा है तो एंगल का फेस राइट को होगा। बन गई साइड आई, वेरी इजी, वेरी इजी। मतलब कुछ चीज़ें आपको ऑब्जर्व करनी है और आपको अपने आप पता चल जाएगा कि ये सामने देख रही है या किधर देख रही है, वो सारी चीज़ें बन जाएंगी। अब ये जो मैं लाइन्स बना रही हूँ ना, ये मैं बना रही हूँ थोड़ी सी दुखी वाली आँखों के लिए, जिसको हम डॉग आई भी बोलते हैं, या बुज़ुर्ग लोग जब हम बनाते हैं ना तो उन बुज़ुर्ग लोगों की आँखें ऐसी हल्की सी ऊपर को चढ़ी हुई होती है। अभी शायद आपको नहीं समझ में आएगा इन लाइनों से, अभी अब जब आप इस लाइन को कंप्लीट होते हुए देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि मैम इसको डॉग आई या ओल्ड एज पीपल्स आई क्यों बोल रही है। ये भी मैं पेयर में ही बता रही हूँ आपको, एक कंप्लीट पेयर होगा तो शायद आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा इस तरीके का आई। और जब आप किसी दुखी इंसान को भी बनाओगे ना, तब भी ये वाली आई आपको वहाँ पर काम करेगी। और उसी तरीके से आई लैशेज, आईलेट, सारी चीज़ों की ड्राइंग छोड़ना आपको कुछ भी नहीं है। और आईब्रो में नहीं बताऊंगी क्योंकि यहाँ पेज में स्पेस नहीं है। तो ये देखिए ये ओके, और ये साइड डिटेल्स थोड़ी सी इसी के साथ मैं शेडिंग दूंगी इस पर हल्की सी डेप्थ के साथ। डेप्थ के बाद ऑब्वियसली मैं इस पर भी वाइट से हल्का सा हाईलाइट भी देने की कोशिश करूंगी। ये देखिए आ गई, ऐसी आंखें देखी है किसी की? चलो देखते हैं शेडिंग के बाद आपको समझ में आती हैं कि नहीं आती हैं। वीडियोस और भी हैं, किसी एक बच्चे ने मुझसे एनिमेशन के लिए भी बोला था मैम एनिमेशन का वीडियो। एनिमेशन एक्चुअली हमारे सिलेबस में है नहीं, लेकिन एनिमेशन हम लोग लास्ट में ज़रूर ऐड करेंगे, एक बार हमारा सिलेबस कवर हो जाए तब। ये रहा मेरा वाइट हाईलाइट, मज़ा आ जाता है मुझे इसमें वाइट यूज़ करने के बाद, हल्का सा वाइट जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है कि हाँ ज़रूरत है। इट्स डन, इसलिए इसको डॉग आई बोलते हैं। ऊपर वाली आई जो कैटी की है वो थोड़ी नीचे की तरफ तिरछी है, ये ऊपर की तरफ तिरछी है, और जो फर्स्ट आई थी वो बिल्कुल स्ट्रेट है। अब एक साइड आई और बना लेते हैं हल्का सा, थोड़ा सा हमारे पास टाइम बचा हुआ है और ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, और 10 मिनट्स में मैं ख़त्म कर दूँगी, तो वो अभी मिल जाने दीजिए हमको, फिर हम अपना काम करेंगे। और लेट्स स्टार्ट विद अनदर आई, जो मैं कोशिश करूंगी कि हल्का सा साइड में देखते हुए बने, और देखते हैं वो चीज़ आती है नहीं आती। तो और जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए हुए अब हम बनाएंगे अगली आई। ले लीजिए सर्कल के साथ, दो लाइनों के साथ, और यहाँ पर मैंने उसके आई बॉल को हल्का सा साइड में कर दिया सेंटर की जगह। आई बॉल मूव करेगा, और बिकॉज़ ये
थ्री फोर्थ के लिए यूज़ होता है जिसको हम प्रोफाइल भी बोलते हैं, प्रोफाइल के लिए आईज़ यूज़ होती है। तो इसमें कॉर्निज वाला एरिया हम थोड़ा सा ब्रॉड बनाते हैं, ठीक है, और आई को एक तरफ तिरछा देखता हुआ बनाएंगे। अगर कोई भी आपका कैरेक्टर जिसको आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मॉडल आपका उस तरफ देख रहा है, तो जिस भी साइड वो मॉडल देख रहा है ऑब्वियसली आपका आईबॉल उधर की तरफ मूव हो जाएगा। आप उसको देखिए और जैसा है वैसा बनाने की कोशिश करिए। हाइपर रियलिस्टिक में यही होता है, आपको कोई चीज़ मिस नहीं करनी है। अगर उसकी आईलैशेस ज़्यादा दिख रही हैं तो ज़्यादा बनाइए, हल्की हैं तो हल्की बनाइए, जहाँ लाइट डॉट जो कुछ नज़र आ रहा है वो आप बनाएंगे, जो आपको नज़र आ रहा है वही आप बनाएंगे। तो मैं अब एक काम करती हूँ कि मैं साइड आई के बारे में भी आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ, साइड एंड प्रोफाइल बोथ, बिकॉज ऊपर जो मैंने आई बताई थी साइड में, बड़ा मैंने ईजीएस्ट वे बताया था 6th 7th के बच्चों के लेवल का। अब यहाँ पर हम उसी एंगल में थोड़ी सी डिटेल, थोड़ा सा वाइट हाईलाइट, अब उधर का कॉर्निया कैसे दिख रहा है, उधर का कॉर्नज कैसे दिख रहा है, तो वो जब आप प्रोफाइल वाला पोर्ट्रेट बनाते हैं ना तो उसमें नज़र आएगा, ठीक है, वो तभी हो पाएगा पॉसिबल। ये सब चीज़ें देखो, इसमें बिल्कुल नहीं दिखाया मैंने रीज़न कि इसमें बिल्कुल साइड फेस हो सकता है, और उसमें मैंने हल्का सा उधर की साइड का भी दिखाया है इसलिए क्योंकि मुझे लग रहा है कि उस तरीके से भी आई बनेगी। तो आज के लिए आई गेस इतना ही। थैंक यू।